नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 मई शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव आयोग ने सोच समझकर बयान देने को कहा है। दरअसल चुनाव आयोग ने 30 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के 2 फेज की वोटिंग के बाद फाइनल आंकड़े जारी किए थे। इस पर खड़गे ने सवाल उठाए थे। आयोग ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर लिखा, वोटिंग का आंकड़ा जारी करने में कोई देरी नहीं हुई। फाइनल वोटिंग डेटा हमेशा वोटिंग के दिन से ही रहता है। 2019 के चुनाव के बाद से हम मैट्रिक्स पर इसे अपडेट कर रहे हैं। हमारे डेटा कलेक्ट करने के तरीके में कोई गड़बड़ी नहीं है। आयोग ने कहा है कि खड़गे ऐसे आरोप लगाकर चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे आरोपों से लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बनती है और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में दिक्कतें होती है। राजस्थान में भीषण गर्मी अपने तेवर दिखा रही है, जिससे लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में स्कूली बच्चों की छुट्टियां कर दी गई है। लगातार बढ़ते तापमान को लेकर राज्य सरकार चिंता जता रही है। मौसम विभाग चेतावनी जारी कर रहा है। नगर निगम कई जिलों में लू के चलते सड़क पर पानी का छिड़काव भी कर रहा है। इसी बीच शुक्रवार को मौसम ने प्रदेश के कई जिलों में पलटी मारी है। भीलवाड़ा जिले के बिगोद में शुक्रवार दोपहर बाद एकाएक मौसम बदला और बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं के साथ करीब 10 मिनट तक बारिश हुई। अलवर जिले में भी दोपहर बाद मौसम खुशनुमा हो गया। साथ ही बताया जा रहा है कि जयपुर की कोटपुतली में ओले गिरे। संसद से पास हुए 3 नए आपराधिक कानून देश भर में 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं। नए कानून भारतीयता, भारतीय संविधान और आमजन को राहत पर केंद्रित रखे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से 3 नए कानूनों को लागू करने के लिए पुलिस और न्यायपालिका की ओर से तैयारियां जोरों पर है। इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। तो वहीं आमजन को इनके बारे में जागरूक कर इन कानूनों को लागू करने के पीछे सरकार के मकसद से रूबरू कराया जा रहा है। जयपुर में फ्यूजन ग्रुप द्वारा व रूवी डिजिटल के सहयोग से आयोजित राजस्थान की ब्यूटी पेजेंट मिस राजस्थान की टॉप 28 फाइनलिस्ट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट 12 मई को जयपुर के DCM अजमेर रोड स्थित होटल रीगल में किया जाएगा। आयोजक योगेश मिश्रा व निमिषा मिश्रा ने बताया कि 5,000 से ज़्यादा गर्ल्स के रजिस्ट्रेशन के बाद ऑडिशन प्रक्रिया से गुजर कर टॉप 70 गर्ल्स इंटरव्यू राउंड में पहुंची और 150 से ज़्यादा गर्ल्स वाइल्ड कार्ड प्रक्रिया से भी गुजरी। इन सभी में से टॉप 28 कंटेस्टेंट को मिस राजस्थान में जगह मिल जाएगी, जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट DCM स्थित होटल रीगल में 12 मई को किया जाएगा। उसके साथ ही टॉप 28 की ग्रूमिंग ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। 19 मई से 21 मई तक 22 गोदाम स्थित होटल हिल्टन में व 22 मई से 25 मई तक MI रोड स्थित होटल सरोवर पोर्टिको में फिनाले वीक में ग्रूमिंग ट्रेनिंग सेशंस व प्री इवेंट्स का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और चिकित्सा तंत्र को पूरी तरह से ऑनलाइन करने के लिए इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 लागू किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभराज सिंह ने बुधवार को स्वास्थ्य भवन में उच्च स्तरीय बैठक में ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये एक अत्याधुनिक हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम होगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रदेश के चिकित्सा तंत्र को मजबूत बनाने वाले इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द तैयार किया जाए। इस सिस्टम के तहत इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, डीजी हेल्थ लॉकर, मरीजों को कतारों से मुक्ति, यूनिफाइड डिजिटल सर्वे, KPI आधारित डैशबोर्ड, स्वास्थ्य संबंधी लाइसेंस व NOC आदि के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, टेली ICU, जियो टैगिंग आधारित चिकित्सालय का मैप जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाला नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। इसे लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वागत योग्य करार दिया है। किशनगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में चोरी की घटनाएं जारी है। बुधवार देर रात निकटवर्ती गांव मंडा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में तोड़फोड़ की गई। चोर वारदात के नाम पर यहां स्टाफ के लिए मंगवाई गई चाय की पत्ती और 3 किलो शक्कर चुरा कर ले गए। हैराने की बात यह रही कि स्कूल में जिन कक्षों के ताले तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया, वहां रखे लैपटॉप आदि कीमती सामानों को नहीं छेड़ा गया। केकड़ी शहर थाने में मामले को लेकर रिपोर्ट दी गई है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि निजी और सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म एक होनी चाहिए। साथ ही स्कूलों में शिक्षकों के मोबाइल लाने पर बैन लगाने की बात कही है। वहीं तीसरा बयान है कि वो अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को लेकर है, जिसे शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि इसे फिर से हिंदी मीडियम में किया जाए। इससे असमंजस की स्थिति बन गई है। मंत्री जी का कहना है कि कांग्रेस सरकार बिना आंकलन किए बिल्डिंग और टीचर के बारे में बोल दिया। एक ही बिल्डिंग में 2-2 स्कूल खोल दिए, इसलिए हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं। जो भी निर्णय होगा वो अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के लिए होगा। सीकर जिले की प्रभारी सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन विभाग राजस्थान श्रेया गुहा सोमवार व मंगलवार को 2 दिवसीय सीकर दौरे पर रहेंगी। जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने बताया कि जिला प्रभारी सचिव श्रेया गुहा
13 मई सोमवार को जिला कलेक्टर कार्यालय व संभागीय आयुक्त कार्यालय का सुबह 10 बजे निरीक्षण करेंगी। सचिव शाम 4 बजे बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा एवं शिक्षा के संबंध में संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे। इसके बाद शाम 5:30 बजे नगर परिषद सीकर का निरीक्षण करेंगी। वे 14 मई मंगलवार को सुबह 10 बजे एसडीएम ऑफिस रिंगस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे सीकर में एसके हॉस्पिटल का निरीक्षण करेंगी। टोंक में गत दिनों हुए लोकसभा चुनाव ड्यूटी की लापरवाही और उदासीनता बरतने पर दो स्कूली व्याख्याताओं पर गाज गिरी है। जांच में इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सौम्या झा ने दो स्कूल व्याख्याताओं को सस्पेंड किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सौम्या झा ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 में अन्य अधिकारियों कर्मचारियों की तरह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लावा के व्याख्याता विनोद कुमार परिडवाल और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ोली के व्याख्याता पृथ्वी सिंह मीणा की भी ड्यूटी लगाई गई थी। अंतिम प्रशिक्षण में उपस्थिति देने के बाद दोनों व्याख्याता मतदान प्रक्रिया कराने के लिए जाने से पहले अपने मतदान दल से अलग होकर अन्य जगह चले गए थे, जो कि निर्वाचन कार्य में गंभीर लापरवाही और उदासीनता है। जोधपुर में आईपीएल फैन पार्क का आयोजन हो रहा है। यह आयोजन शनिवार 11 मई व रविवार 12 मई को सरदारपुरा गांधी मैदान में होगा। बीसीसीआई की ओर से हो रहे इस आयोजन में आईपीएल फैन के लिए स्टेडियम जैसा माहौल नजर आएगा। बीसीसीआई मुंबई से अमित सिद्धेश्वर ने बताया कि इस आयोजन में एंट्री फ्री रहेगी। जोधपुर के क्रिकेट प्रेमी के लिए स्टेडियम जैसा माहौल नजर आएगा। बच्चों के लिए ग्राउंड में खेलकूद के लिए व्यवस्था की गई है। फूड व वाटर फैसिलिटी भी रहेगी। लकी ड्रॉ में किसी भी लकी विनर को आईपीएल टीम के ऑटोग्राफ जर्सी को जीतने का मौका मिलेगा। 11 मई को आयोजन 6 बजे होगा और 12 मई को दो मैच होने के कारण दोपहर 2:30 बजे से आयोजन की शुरुआत होगी। गर्मी के सीजन में बढ़ती पेयजल किल्लत को लेकर सीकर कलेक्ट्रेट चैम्बर में बैठक हुई। बैठक में सीकर विधायक राजेंद्र पारेख और नगर परिषद सभापति जीवन खान सहित जलदाय विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। सीकर विधायक राजेंद्र पारेख ने कहा कि शहर में बीते कई दिनों से पानी की समस्या है। इस मामले को लेकर कई शहरवासी मुझसे मिलने के लिए आए। आज जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी जलदाय विभाग के अधिकारियों से इस संबंध में बैठक की। टोंक जिले में गर्मी व लू के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पशुपालन विभाग ने भी पशुओं के जीवन को लेकर गंभीरता दिखाई है। इसके लिए पशुपालन विभाग की ओर से गुरुवार शाम को आदेश जारी कर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक पशुओं को भार ढोने पर पाबंदी लगा दी है। इसका उल्लंघन करने वाले पशुपालक पर कानूनी कार्यवाही होगी। राजसमंद में अवैध खनन को रोकने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक आयोजन किया गया। कलेक्टर डॉ. भंवरलाल की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में अवैध खनन, निर्गमन व स्टॉक की पकड़, खनन गतिविधियों की रोकथाम सहित पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए गए कार्य पर चर्चा की गई। बैठक में जिनेश हुमड़ खनि अभियंता राजसमंद खंड प्रथम द्वारा जानकारी दी गई। भरतपुर में भीषण गर्मी का दौर जारी है। इस बीच जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे बिजली समस्याओं को लेकर भी परेशानी बढ़ने लगी है। इसके समाधान के लिए भरतपुर इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज लिमिटेड शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जन सुनवाई के लिए कैंप लगा रही है। शुक्रवार को BESL ने बिजली घर स्थित सब डिविजनल कार्यालय पर एक कैंप लगाया, जिसमें लोग तरह तरह की समस्याएं लेकर पहुंचे। BESL के अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके जल्द ही समाधान का आश्वासन भी दिया। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही, और ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT News। धन्यवाद।